सभी व्यर्थ मुक्त, मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, परमात्म मोहब्बत के झूले में झूलने वाली प्राप्ति संपन्न आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। संगम के इस बेला में आओ कर ले प्रभु मिलन, आत्मा व परमात्मा का अद्भुत मिलन। ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा बन जाती है पतित से पावन। ये बात, ये सत्य हमें सभी को बताना है ताकि उनका भी कल्याण हो। आजकल तो देखो कुंभ के मेले में भी ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल लगता है, झांकियां सजाते हैं, चैतन्य मूर्तियां बैठती हैं, सरकार भी मदद करती है। भारत की इतनी महिमा क्यों है और हमारा बेड़ा कैसे पार हो, जानने के लिए सुनते हैं एक छोटी सी रात्रि क्लास और 18 दिसंबर 2023 की आई ओपनर साकार मुरली। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रयागराज में उज्जैन में कुंभ मेला लगता है ना, बाबा कहते हैं किस बात का यादगार है वो, अभी इस संगम युग में आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है। परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम ज्ञान स्नान करते हैं, ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, अपने आसुरी अवगुण छोड़ हम दिव्य गुण धारण करते हैं, पतित से पावन बनते हैं। तो ये है सच्चा सच्चा संगम, बाबा के संग से जहाँ हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। तो ये है संगम, इसके यादगार में भक्ति मार्ग में मेला मनाते हैं। सच्चा संगम आत्मा और परमात्मा का मिलन। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए, माना मैच्योरिटी चाहिए, सयानापन चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है, ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है, तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। बाबा कहते हैं युक्ति से सर्विस करो, जैसे चूहा काटता है ना तो वो जगह सुन्न हो जाती है, जैसे कि एनेस्थीसिया दे दिया हो और उसके बाद में वो जोर से काटता है तो पता ही नहीं लगता है, तो जैसे कि फूक फूक कर जगह सुन्न कर दी और काट लिया, काम भी हो गया पता भी नहीं चला। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी लगाओ, भक्ति मार्ग में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, उनको ज्ञान की दृष्टि से समझाओ, जो बाबा ने हमें बताया है कि सत्य बात, असली बात क्या है और भक्ति में कैसे हमने बैठ कहानियां बनाई हैं। बाबा कहते हैं उन्हें भी पतित से पावन होने की युक्ति बताओ, सबका कल्याण करो, लेकिन इस बात में बहुत सयानप चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, सयानापन चाहिए, बहसबाजी में नहीं पड़ना है, योग युक्त होकर बुद्धि से सेवा करनी है। ज्ञान की नाजुक बातें, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, बाबा कहते हैं बहुत ही तरीके से उन्हें समझाओ कि उनकी श्रद्धा को, आस्था को ठेस भी ना पहुंचे और पॉइंट भी समझ में आ जाए कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं। तो ऐसी सयानप से रूहानी सर्विस करनी है। गीत बजा।
शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है वह त्रिवेणी है फिर पुकारते क्यों हैं कि हे पतित पावनाओं। गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। पहले इलाहाबाद नाम था ना, तो तीन नदियों का संगम। देखो वहाँ स्नान करते थे फिर भी पुकारते, तो बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा कलश। तो देखो ज्ञान कलश बाबा हमारे सिर पर रखते हैं, तो संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम, नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, वास्तव में हैं दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे गंगा स्नान करके? देखो गंगा को ही मैला कर दिया तो पावन तो हुए नहीं, दिव्य गुणों की धारणा तो हुई नहीं, पवित्रता आई नहीं। बाबा कहते वास्तव में दो नदियां हैं। चरणिंग करें तो देखो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, गंगा जमुना और तीसरी नदी गुप्त। कौन है मुरली को इतनी अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करके समझाया ना, मम्मा सरस्वती। देखो कैसी गुप्त हैं। अभी मुरली चली थी ना मम्मा पर, जगदम्बा पर, तो गुप्त हैं। और भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में है दो नदियां, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है, पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा से किए जा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अब अंधों को लाठी चाहिए, रास्ता बताना है, सहारा बनना है। अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं लेकिन लाठी मारना नहीं है, लठ मारना नहीं है, लाठी बनना है, ज्ञान प्रकाश की ओर लेकर आना है। बाबा कहते हैं तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती हैं। हाँ किसी को तो एक ही दिन में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना देंगे, इतना ज्ञान सुनाते हैं, सात दिन का कोर्स एक दिन में ही करा देते हैं। देखो किस्म किस्म की लाठियां हैं। बाबा तो लाठी की बात कर रहे हैं कि कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। वो लाठियाँ भी होती है ना, देखो एक तेल लगाई हुई एकदम चिकनी लाठी अच्छी लकड़ी की, और कोई तो बांस की लकड़ी जैसे, तो कोई 100 रुपए की कोई 2 रुपए की। तो यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है, जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। परम पिता परमात्मा जब अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का
कुंभ। तो देखा ना हमने साक्षात कुंभ मेला लगते हुए, ज्ञान स्नान करते हैं, सागर में डुबकी लगाते हैं, ज्ञान सागर में डूबे रहना है। 63 जन्मों से पतित हुए तो फिर डूबे रहेंगे तो ही पावन बनेंगे। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं, वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। यहाँ पे BMW बॉडी माइंड वेल्थ सब दान करना है, किसको? डायरेक्ट बाबा को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले। वहां सागर तो है नहीं, या तो नदियां आपस में मिलती हैं। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। देखो गंगा सागर में लगता है ना, बंगाल में। तो बाबा कहते हैं कि नदी और सागर का मेला जो है, जो मिलन है, वो सच्चा मेला है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। देखो भारत में तो वैसे ही कितना है ना, भक्ति मार्ग का प्रचार, फैलाव, प्रभाव, सब कुछ। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, कमाई होती है ना, सरकार कितना प्रोटेक्शन भी देती है, पैसा भी देती है, और फिर जब स्टॉल वगैरह लगते हैं, देखो कमाई भी होती है। तो इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। स्पेशल ट्रेन चलती है वहाँ यूपी में। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम ही जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ मेले का सच्चा सच्चा अर्थ निकालना है। बाबा ऐसे देते हैं, माना निबंध लिखने को कहते हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है, कौन है नंबर 1? मम्मा। फिर दूसरा है संजय, बाबा जगदीश भाई को कहते। देखो पहला नंबर मम्मा, बाबा जो कहते थे मम्मा तुरंत करती थी, और जगदीश भाई भी हैं, सबने इतिहास तो पढ़ा है, कहानियाँ सुनी हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं। तो जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। नंबर 1 सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। बाबा कहते हैं ना निबंध लिखो, सच्चा अर्थ निकालो। तो यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियां तो हैं ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या यह नदियां? नदियों को बुलाएंगे क्या कि आओ पतित पावन आओ? कह रहे हैं माना कोई यहाँ पे है नहीं और उसको बुला रहे हैं, तो नदियां तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लिखो, पर्चे निकालो। देखो जगदीश भाई ने कितना लिटरेचर लिखा है, मम्मा की मुरलियां तो सब सुनते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि पूछो, बोलो उनको कि पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या यह नदियाँ, या तो सदैव हैं। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। तो सतगुरु ही दलाल है, देखो खुद से मिलाते हैं सबको। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है, शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े।
रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, न कि साधु संतों से। रक्षाबंधन का ताल्लुक संबंध किससे है? भगवान से, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। पवित्र बने तो बाबा विश्व का मालिक बनाएंगे, इशारा दे रहे हैं बाबा। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, बाबा इशारा भी दे रहे हैं इस पॉइंट पे सर्विस करो। चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। इतना विरोध भी किए ना, पंडाल में आग भी लगाए। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। बाबा कहते, जो कोई कुछ भी करता है करने दो, देह अभिमान में अहंकार में मत आओ। क्या करना है? निरहंकारी बन साइलेंस में रहना है। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं, वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। देखो अभी भी इतने पंडाल सजते हैं, अब तो छोटी छोटी दीदियां जो है ना, वो चैतन्य मूर्तियां बनकर एकदम बैठती हैं, और सब इतने अचंभे से देखते हैं कि ये कैसे हिलती भी नहीं है, इनकी पलक भी नहीं झपकती है। जैसे देखो सब देखते हैं खड़े होके, तो बाबा कहते हैं कि ये सब क्या है? महत्व अभी का है, जो कुंभ के मेले का है, लेकिन ये अभी का महत्व है। उनको पता नहीं है यह भी ड्रामा का खेल है, वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है, कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न ना पड़े। और अब तो देखो बैच लगा हुआ है, सफेद वस्त्र पहने हैं, पुलिस वाले भी पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अब तो जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं जो राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो अब तो कोई इतना विघ्न नहीं है। बाबा कहते हैं, तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे, फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहां तो बहुत मालठाल होते हैं, वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हूँ। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं। बाबा कहते हैं ना, देसी घी का इस्तेमाल होता है, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। दिखाते हैं कि वो चावल बनाते हैं एक बर्तन में, और उसके चार भाग हो जाते हैं अपने आप, ये चमत्कार है देखो। तो बाबा कहते हैं उसमें घी आदि नहीं पड़ता। अब श्रीनाथ माना श्री लक्ष्मी नारायण, स्वर्ग मालिक, और जगन्नाथपुरी देखो, जगत का नाथ, तो सबकी पालना करनी है तो साधारण भोग चावल। तो बाबा कहते हैं कि यह फर्क बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल, और सावरा है तो यह सूखा चावल। तो अभी की बात है और सतयुग की बात है। पतित हो गए, काले हो गए, सावरे हो गए, तो साधारण भोजन, पवित्र हैं, प्योरिटी है, गोरे हैं, देखो घी का माल ताल। तो बाबा कहते हैं, राज बड़ा अच्छा है, यह बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं, प्रसाद भी आजकल देखो पर्ची बढ़ती है, लेके जाओ पैसा दो फिर खरीदो, तो बिकता भी है। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है, मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं, देखे जो वहां डालते हैं भंडारी में, कितना पैसा आता है, कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं भक्त। वो चिल्लर वगैरह तो सब चलनियों से छानते हैं ऐसा।
इतना होता है। साउथ के मंदिरों में भी देखो कितना चढ़ावा आता है, तिरुपति बालाजी और सब में। तो बाबा कहते हैं कि मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, ज्ञान से मिलती है ना सदगति। तो ज्ञान स्नान करना है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, फूंकता है जगह सुन्न हो गई काटता है, उसी तरह से बाबा कहते हैं उनका कोई पॉइंट देखो, नब्ज देखो कहाँ पे क्या है, और फिर उसी पॉइंट पे समझाओ। बड़ी ही सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। तो पहले खुद समझें और फिर औरों को समझाएं। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। मानो तुम कौन सी मत देते हो और उससे कौन सी गति होती है तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व अक्षर जरूर डालना है। माना सबका, सर्व माना सबका। तो ये अक्षर जरूर डालो कि सबको गति सदगति देने वाला एक है। बाबा तो सदगति दाते ही हैं ना, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार फिर गति में ही रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है, यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। अनजाने में ही कर रहे हैं, अंधश्रद्धा से कर रहे हैं तो ताकत नहीं है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, गुरु गोसाई छोड़ भगवान भी इतने हैं। क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका? धर्म में शक्ति है। कौन से धर्म में? धर्म की परिभाषा क्या है? धार्यति इति धर्म। तो धारणा में यदि दिव्य गुणों की धारणा है तो हम शक्तिशाली हैं। कोई कर्म कांड रीति रिवाज में इतनी शक्ति होती तो फिर गिरते ही नहीं ना। तो धारणा मूर्त है तो शक्तिशाली हैं। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। अब पता है ना हमारी धारणाएं क्या है, हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, तो ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। हमारा धर्म क्या है? खुद को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो, ये है हमारा धर्म, है ना। तो बाबा कहते हैं ये वशीकरण मंत्र है, सबको दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मती सोगति हो जाएगी। बिंदु बाप को बिंदु बनकर परम धाम में ही याद करना है ना। जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मती सुगति हो जाएगी। बाप को, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, ये सब क्या है? वशीकरण मंत्र है। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो, पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तो मनमना भव मध्याजी भव, तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। इसलिए सारे संबंध उनसे अनुभव करने हैं। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं, श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो? कहने नहीं मानेंगे तो बेड़ा कैसे पार होगा? बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। बेड़ा पार हो गया, सब कुछ पा लिया, सबसे ऊंचा पद पा लिया, राजाई पद। श्रीमत से ही राजाई मिलती है, श्रीमत पर नहीं चलते तो आखरीन खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा।
सोने वाली सजनियां नहीं जाएंगी, जागने वाली सजनियां जाएंगी। आत्मदीपक की बात है, जागृत ज्योत। तो बाबा कहते हैं जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे। अनन्य, बाबा के फेवरेट, जिनके जैसा कोई अन्य नहीं, जो 100% श्रीमत को फॉलो करते हैं, वो जाएंगे ना सजनी बनकर, बिना सजा खाए, नैनों के नूर। तो बाबा कहते हैं बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे, एक योग बल और एक सजा बल। बाकी जाना तो सबको है, शिव की बारात गाई हुई है ना, लूले लंगड़े सभी जाएंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती, हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा, झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां हैं वह देखने में आएंगे, मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। जो पहले आए वो शक्तिशाली आत्माएं, और तना देखो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, बाद में तो कितनी टाल टालियां हैं ना, तो इतनी शक्ति तो है ही नहीं। और देवी देवताओं में भी बाबा कहते हैं सबकी शक्ति अपनी अपनी अलग अलग है। तो मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं, भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा। अभी देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितनी साफ सफाई, कितने मैनर्स, हेवन है वो, भले ही सुख सुविधा है। बाबा कहते हैं भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। भारत की हालत देख के भी लगता है कैसे होगा स्वर्ग, क्योंकि इतना नीचे गिरा है ना, तो जो जितना नीचे गिरा माना उतना ऊंचा था, इसीलिए इतना नीचे गिरा, और सब लूट लूट के तो ले ही गए हैं। तो प्रूफ तो है ही ना हमारे पास कि कितना धन धान्य वैभव सुख ऐश्वर्य सब कुछ था। तो फिर से जापान खंड हेवन नहीं हो सकता है, फिर से भारत ही होगा, चाहे अमेरिका बोल लो, चाहे जापान बोल लो, चाहे रशिया, चाहे लंदन, होना तो भारत को ही है। तो देखो चरित्र भी सबके श्रेष्ठाचारी हो जाएंगे और अकिचार धन भी होगा, तो भारत खंड स्वर्ग बन जाएगा। बन जाएगा या हम बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व बाप पिता के लाडले सिकी लधे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी एक रात्रि क्लास है 24 अप्रैल 1968 की, 24 अप्रैल 1968। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई भी सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वह आते हैं सभी को ले आते हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं, जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है, वह भारत में ही आते हैं, तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा, भारत की बहुत महिमा करनी है। विश्व गुरु सोने की चिड़िया ना, भारत खंड ही स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में, स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। अनेक धर्म के कारण ही तो अशांति फैली है ना। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है, यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं, आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना, अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है, बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान, गणेश, सारा
सिंबॉलिक बनाया हुआ है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई होते ही नहीं हैं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। जिनको आज हम पूज रहे हैं वास्तव में क्या है, बाबा कहते हैं वही देखो पुजारी हैं, आपे ही पूज आपे ही पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, बाप दादा को हमारी भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अभी भी हम देखें ना, यदि किसी देह के संबंधी को याद करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो ये दुख अनुभव करते हैं ना, तो क्या है, वो सजा है। तो इसलिए क्या करना है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। तो सजा बल या योग बल। दूसरा है, निरहंकारी बन, साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है, श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है, पावन बन पावन बनाना है। वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। बाप दादा कहते हैं जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, जैसे दूध और पानी को अलग करता है, कंकड़ और रत्न को अलग करता है, बाबा कहते हैं आप भी समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले हो। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। कल की मुरली थी ना, अशुभ और व्यर्थ मुक्त, तो व्यर्थ न सोचना न बोलना न करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला किया, लेकिन उसके परिणाम में क्या हुआ, क्या मिला, सब कुछ गवाया, अपना चैन सुकून शांति सब कुछ गवा दिया ना। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया, अब गवाने वाले नहीं जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। अब नहीं गवाना, हाँ पता चल गया कैसे गवाते हैं, कैसे घाटा होता है, तो वो काम थोड़ी करना है, अब तो समर्थ संकल्प करने हैं, जमा का खाता बढ़ाना है। समर्थ संकल्प कहाँ से मिलेंगे, बाबा की मुरली से। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना है, समर्थ बनना है, होली हंस है हम, व्यर्थ को छोड़ना है। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। लौकिक में क्या है, देखो कंगन पहनाते हैं तो बंधन में बंध जाते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ मर्यादाओं के कंगन में खुद को बांध लो तो बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो कल भी बाबा ने कहा कि मोहब्बत के झूले में झूलो तो मेहनत अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो समर्थ संकल्प जमा करते रहेंगे, व्यर्थ कब अपने आप खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मर्यादाओं का कंगन पहने रहना है, सारे बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। मुरली रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं, पहला, सच्चा सच्चा कुंभ मेला, तो आत्मा परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर, यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। दूसरा, श्रीमत से ही होगा हमारा बेड़ा पार। बेड़ा पार माना
बाबा ने कहा राजाई पद मिलना, तो श्रीमत पर चलेंगे तो ही ऊंच पद मिलेगा। तीसरा होली हंस, क्या समर्थ है क्या व्यर्थ है हमें अब पता है, तो सिर्फ समर्थ। चौथा ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन, और पांचवा है भारत देश महान। तो गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। ओम शांति।